सबको जय मसीह की। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह से हम कैसे बात कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा बात कर सकते हैं। जब हम पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय वचन 16 से लेकर वचन 18 तक पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर से बातें करें, और प्रार्थना ही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है जब हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह से बातें करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, और यदि हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जब हम पहला यूहन्ना 5 अध्याय वचन 14 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। परमेश्वर का वचन बताता है यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही कुछ परमेश्वर से मांगते हैं तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है यर्मिया 29 अध्याय वचन 12 से लेकर वचन 13 तक, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। परमेश्वर का वचन बताता है जब हम प्रार्थना में परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, और जब हम पवित्र हृदय से परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को ढूंढेंगे तो परमेश्वर को हम पाएंगे भी। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं, किस प्रकार से हम परमेश्वर से अपनी मांगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।